वालेकुम डी ए स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स डी स्टूडेंट्स आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडेज पॉलिटिकल साइंटिस्ट डी स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है जी के फॉर वन पेपर प्रेपरेशन मोस्ट रिपीटेड एम तो आज की ये वीडियो जो है ये बेसिकली जनरल नॉलेज के ऊपर मुश्तमिल है इसमें मुख्तलिफ नौीय के जो है इंतहाई अहम एम सी उसको शामिल किया गया है जो कि अमूमन जो है पब्लिक सर्विस कमीशन या एन टी एस के जो मुख्तफ टेस्ट होते हैं उनके अंदर जो है ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं या उन टेस्ट का ये हिस्सा बनते रहते हैं अडिय स्टूडेंट्स आपके लिए एक मैसेज है प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल ऐलान दोबारा सुन लीजिएगा प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वडेज पोलिटिकल साइंटिस्ट ए स्टूडेंट्स यहाँ से इस वीडियो का आगाज़ करते हैं द पैसिफिक आइसलैंड कंट्रीज पी आई सीज आर ए क्लस्टर ऑफ फोर्टी फोर्टीन स्टेट्स टेन स्टेट्स एट स्टेट्स डी स्टूडेंट्स आपने बताना ये है द पैसिफिक आइसलैंड कंट्रीज डेट इज़ जनरली नाउन एज पिक्स आर ए क्लस्टर ऑफ 14 states, 10 states, and 8 states. The correct answer is 14 states. The Pacific Iceland countries, PICS, are a cluster of 14 states. Hain, which is the next question? Uh, the next question is The first Prime Minister of Britain was Baldwin Chamberlain Robert Walpole. The correct answer is Robert Walpole. Robert Walpole, he is considered as the first <coughs> Prime Minister of UK. The correct answer is Robert Walpole. The first Prime Minister of Britain was Robert Walpole. The next question is Lama Iqbal was elected as a member of Punjab Legislative Council in 1919. 1926, 1935, none of these. the correct answer is 1926. lamekbal was elected as a member of punjab legislative council in 1926. the correct answer is 1926. the next question is legislative powers of house of lords in britain were cur curtailed by bill of rights. मैगना कार्टा ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टीन द पार्लीमेंट्री एक्ट ऑफ नाइनटीन अलेवन नन ऑफ दिज द करेक्ट आंसर इज पार्लीमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन अलेवन तो बरतानिया के अंदर जो है नाइनटीन अलेवन के अंदर और फिर एक और पार्लिमेंट्री एक्ट मंजूर हुआ था नाइनटीन फोर्टी नाइन के अंदर जो है तो इन दोनों ये जो पार्लिमेंट्री एक्ट थे इनके ज़रिए जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है विच इज़ द अपर हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट उसकी जो पावर्स थी उनको बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया था बल्कि इसके बाद जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है उसकी हैसीत एक रस्मी और ब्रेन नाम जो है वो ए, अपर हाउस की रह गई है तो इससे पहले जो है हाउस ऑफ लॉर्ड एक बाख्तियार दारा था लेकिन उन्नीस सौ ग्यारह में और उन्नीस सौ उनचास में जो पार्लिमेंट्री एक्ट मंजूर हुए उसके बाद हाउस ऑफ लार्ड जो है उसके अख्तियार में कमी वाक हुई और वो एक ब्रे नाम अदारे के तौर पर जो है आज वो फ्रैस सर अंजाम दे रखा है लेजिसलेटि पावर्स ऑफ हाउस ऑफ लार्स इन ब्रिटेन वर कर्टेल्ड बाय द पार्लिमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन अलेवन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट वज द नेशनैलिटी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल आपने बताना ये है कि अल्फ्रेड नोबेल जो है जिसके नाम के ऊपर जो है नोबेल प्राइज जो है दिया जाता है तो आपने बताना यह है कि उसकी नेशनलिटी क्या थी ही वॉस अमेरिकन ही वॉस जर्मन और स्वीडिश द करेक्ट आंसर इज स्वीडिश वट वाज द नेशनैलिटी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल द करेक्ट आंसर इज स्वीडिश नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन वाज द विमेन विंग ऑफ मुस्लिम लीग

उसकी करेंसी का नाम जो है वो फॉरेंट है एफ ओ आर आई एन टी फॉरेंट फॉरेंट इज़ द करेंसी ऑफ हंगरी देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डिट कैद आजम प्रजेंटिड हिज़ फोरटीन पॉइंट्स बहुत मशहूर क्वेश्चन है वेन डिट कैद आजम होम द रिजना रमत प्रड हिज़ फोरटीन पॉइंट्स द फर्स्ट ऑप्शन इज़ मार्च ट्वेंटी एट नाइनटीन ट्वेंटी नाइन मार्च ट्वेंटी एट नाइनटीन थर्टी मार्च ट्वेंटी एट नाइनटीन थर्टी वन द करेक्ट आंसर इज़ मार्च 28, 1929. तो कैद महम्दीन जना ने हिंदुस्तान के जो मुस्लिम्स थे उनके जो राइट्स थे उनके जो मफादात थे उनके तहफ़ के लिए जो है उन्होंने 28 मार्च उन्नीस को जो है उन्होंने अपने मशहूर चौदह नकात पेश किए थे और ये चौदह नकात उन्होंने जो नेहरू रिपोर्ट है जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और हिंदू रहनुमाओं की तरफ से पेश की गई थी उसके रद्द अमल में जो है उन्होंने अपने जो फोर्टीन पॉइंट्स जो थे वो पेश किए थे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द द द ऑफ बुक एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन हंटिंगटन फोको यामा मार्गन थ्यू क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा हु इज द आथर ऑफ द बुक द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन देर आर थ्री ऑप्शन द फर्स्ट ऑप्शन इज हंटिंगटन सेकेंड ऑप्शन इज फोको एंड थर्ड ऑप्शन इज मार थ्यू द कुरेक्ट आंसर इज फोको यामा फोको यामा इज़ द आथर ऑफ द बुक द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन वॉज रिटन बाय फोको यामा इन नाइनटीन नाइन्टी टू तो नाइनटीन नाइन्टी टू के अंदर जो है ये मशहूर किताब लिखी गई थी द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को वेन डिट कैद अजम हमदरी जना जवाइन होम रूल लीग कैद अजम हमदरी जिनाह जो हैं उन्होंने होम रूल लीग जो हिंदुस्तान की मतहदा हिंदुस्तान की सियासी जमात थी उन्होंने इसमें कब शिरकत की थी 1916 को 1920, 1927. नाइनटीन ट्वेंटी द करेक्ट आंसर इज़ 1916 सिक्सटीन कैद अजम हमदरी जिना जॉइन द होम रूल लीग इन 1916 1916 को जो है क़ैद अजमहमदी जन्ना ने होम रूल में शिरकत की थी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द आथर ऑफ द बुक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द री मेकिंग ऑफ वर्ल्ड आर्डर क्वेश्चन है हु इज़ द आथर ऑफ द बुक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द री मेकिंग ऑफ वर्ल्ड आर्डर द फर्स्ट ऑप्शन इज़ सैमुअल हंटिंगटन एंड द सेकेंड ऑप्शन इज फोकोयामा द करेक्ट आंसर इज सैमुअल हंटिंगटन सैमूल हंटिंगटन इस द आथर ऑफ द बुक द कलेश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द री मेकिंग ऑफ वर्ल्ड आर्डर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी वार फॉर्मली री यूनिफाइड आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फॉर ट्वेंटी फोर्टी वन ईयर्स ऑन अक्टूबर थ्री नाइनटीन नाइन्टी अक्तूबर थ्री नाइनटीन नाइन्टी थ्री अक्तूबर थ्री नाइनटीन नाइनटी फाइव the correct answer is october 3 1990 dekhte hain which is the next question <clears throat> budapest is the capital city of italy norway hungary budapest budapest is the capital city of hungary Hungary के बारे में ये दूसरा question है इससे पहले उसकी currency का नाम पूछा गया था और अब जो है उसका जो capital city है उसके बारे में question है, है बुदापेस्ट ज द कैपिटल सिटी ऑफ हंगरी देखते हैं विच इज़ डी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन ने प्रेजिडेंशियल इलेक्शन आर हेल्ड ऑन आफ्टर द फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर नवंबर दिसंबर द करेक्ट आंसर इज नवंबर अमेरिकन जो प्रेजिडेंशियल इलेक्शन है वो हर चार साल बाद जो लीपर होता है हर चार साल बाद जो लीपर होता है उसमें जो है नवंबर के पहले सोमवार के बाद जो है जो मंगल आता है सॉरी डी स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा था कि अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं वो हर चार साल बाद होते हैं और हर चार साल बाद जो लीप ईयर होता है उसको जो है कंडक्ट होते हैं और ये नवंबर के पहले सोमवार के बाद जो मंगल आता है उसको ये इलेक्शन जो है होते हैं तो द प्रेजिडेंशल इलेक्शन ऑफ यू एस ए आर हेल्ड ऑन ट्यूजडे after the first Monday of November. The next question is: The Clash of Civilizations was published in. The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order was published in 1996. तो ये सैमुअल हंटिंगटन की किताब है जो कि अमेरिकन एक पोलिटिकल साइंटिस्ट है उसकी किताब है उसका पूरा नाम है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द री मेकिंग ऑफ़ द वर्ल्ड आर्डर और वो पब्लिश कब हुई है 1996 के अंदर जो है ये पब्लिश हुई थी <coughs> 1993 को जो है ये एक आर्टिकल की शक्ल में एक जर्नल के अंदर पब्लिश हुई थी पब्लिश हुआ था इसका आर्टिकल और फिर उसको उसने जो है वो किताब की शक्ल दी थी 1996 को तो उस किताब का पूरा नाम है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द री मेकिंग ऑफ़ द वर्ल्ड आर्डर डेट वॉज़ पब्लिश इन नाइनटीन द नेक्स्ट क्वेश्चन ताइवान एंड चाइना स्प्लिट एट द एंड ऑफ द चैनी सिविल वॉर इन नाइनटीन थर्टी और नाइनटीन द करेक्ट आंसर इज़ 1949 तो चाइना और ताइवान जो है वो जो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं वो जो 1949 के अंदर जो है सिविल वार हुई उसके बाद जो है एक दूसरे से सेपरेट हुए आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्टीनेंट डेट हैज़ नो डेजर्ट यूरोप एशिया अफ्रीका आपने बताना ये है कि विच इज़ दैपिटल विच इज़ द कॉन्टीनेंट ए डेट हैज़ नो डेजर्ट कौन सा ऐसा बरअसम है दुनिया में जिसमें कोई भी डेजर्ट जो है वह नहीं है जिसमें कोई सहरा नहीं है कोई डेजर्ट नहीं है तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन है यूरोप दूसरा दु ऑप्शन है एशिया और थर्ड ऑप्शन है अफ्रीका द करेक्ट आंसर इज यूरोप यूरोप इज़ द कंटिनेंट डेट हैज़ नो डेजर्ट तो यूरोप के अंदर जो है कोई भी डेजर्ट जो है वह नहीं है अफ्रीका में डेजर्ट पाए जाते हैं बरम एशिया में, में डेजर्ट पाए जाते हैं लेकिन यूरोप जो है वो एक ऐसा बरअजम है जिसमें कोई भी सहरा जो है वो नहीं है आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन डेट इज़ जनरली नोन एज बी बी सी तो आपने बताना ये है द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग was founded ऑन अक्टूबर एटीन नाइनटीन ट्वेंटी टू अक्टूबर थर्टी टू अक्टूबर अक्टूबर एटीन नाइनटीन टू answer एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू को जो है जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग एक इतलाती नशरियाती अदारा है जिसको आमतौर पर जर्नली BBC कहा जाता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन तो उसका आगाज जो है वो अक्टूबर एटीन नाइनटीन टी टू को जो है हुआ था तो इससे अंदाजा एक सौ साल जो है वो इस अदारे को कैम हुए हुए हो चुका है आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सेंसिस इन द इंडियन सब कंटिनेंट वो आर कंडेड इन एटीन सेवन नाइनटीन करेक्ट आंसर इज एटीन सेवेंटी टू द फर्स्ट सेंसेस इन द सब कॉन्टीनेंट वर कंडक्टिड इन एटीन सेवनटी टू तो मुत हिंदुस्तान के अंदर जो है सब कॉन्टीनेंट के अंदर जो है जो पहली मरदमशुमारी हुई वो सेवन एटीन सेवनटी टू को अठारह सौ बहत्तर को जो है वो की गई थी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लार्जेस्ट लेजस्लेटिव बॉडी इन द वर्ल्ड विद टू हंड टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड एटी मेंबर्स क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा विच इज द लॉर्जेस्ट लेजि लार्जेस्ट लेजिसलेटिव बॉडी इन दर्ल्ड विद टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड एटी मेंबर्स दुनिया में कौन सी जो है वो लेजिस्लेचर है जिसके जो दो हजार नौ सौ अस्सी मेंबर्स के साथ जो है दुनिया की सबसे बड़ी चैनी तादाद के मम्बर्स की तदाद के से, दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो लजस्लेचर जो है वो शुमार होती है चाइनीस नेशनल कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रजेंटि ऑफ यू एस ए और थर्ड ऑप्शन है हाउस ऑफ कामन्स दू के करेक्ट आंसर इज चाइनीस नेशनल कांग्रेस तो चाइना की जो नेशनल कांग्रेस है जो उसकी लेजस्लेचर है उसका मेम्बर्स की तदाद के एतबार से जो है डेट इज़ कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट लेजस्लेटिव बॉडी इन द वर्ल्ड और उसके जो मेंबर्स की तादाद है वो है टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड एटी मम्बर्स तो मेंबर्स की तादाद के अतबार से ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो लेजिसलेचर जो है वो शुमार होती है आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पाकिस्तान वॉन द फर्स्ट टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप इन टू थाउजेंड नाइन टू थाउजेंड ट्वेल्व टू थाउजेंड एटीन द करेक्ट आंसर इज़ टू नाइन पाकिस्तान ने अपना जो पहला टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जो है वो जीता था वो 2009 में टू 200, हंड्रेड के अंदर और ये भी याद रखेगा कि टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जो है इसका जो आगाज़ था वो 2007 में हुआ था तो इस टी ट्वेंटी का जो पहला वर्ल्ड कप है वो 2007 में हुआ और जब दूसरा इसका टी ट्वेंटी का वर्ल्ड कप हुआ 2009 के अंदर जो है तो वो पाकिस्तान ने जो है वो विन किया था आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन जी डी स्टूडेंट्स स्टूडेंट पे एक छोटी सी ब्रेक है और इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से सवाल जो हैं इसमें मजीद हैं द टवेल्थ प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज ममनून हुसैन आसफ अली जरदारी आरफ अलवी आपने बताना ये है कि हु वाज द टवेल्थ प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान दे आर आर थ्री ऑप्शन द फर्स्ट ऑप्शन इज़ ममनून हुसैन सेकेंड ऑप्शन इज़ आसफ अली जरदारी एंड द थर्ड ऑप्शन इज आरफ अलवी द करेक्ट आंसर इज़ ममनून हुसैन ममनू हसैन वास्ता टवेल्थ प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान और अली जरदारी जो है ही वाज द अलेवन्थ प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो अली जरदारी जो है ही वाज द अलेवन्थ प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद ममनून हुसैन जो है प्रेजिडेंट बनते हैं और वो ट्वेल्थ प्रेजिडेंट थे और इस तबार से जो है ममनून हुसैन के बाद जो है आरफ अलवी जो है वो प्रेजिडेंट बने थे इसका मतलब ये है कि ही इज़ द दर्टीनथ प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द पॉलिटिक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अथेंटिक वर्क ऑफ प्लेटो एरस्टाटल हाब्स द करेक्ट आंसर इज एरस्टाटल द पॉलिटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑथेंटिकटिक वर्क ऑफ एरस्टाटल तो पॉलिटिक्स जो है जिसको अलसियासत कहा जाता है वो अरस्तु की जो है मशहूर किताब है आइए देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बाकू इस दैपिटल सिटी ऑफ आजरबाई जान जिम्बावे इजिप्ट द करेक्ट आंसर इज आजरबाई जान बाकू इज दैपिटल सिटी ऑफ आजरबाई जान तो बाकू जो है वह आजरबाई जान का कैपिटल सिटी है और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बाई कैमरल लेटसलेचर एज मोस्ट सुटेड टू यूनिटरी स्टेट्स फेडरल स्टेट और दो हाउसेस हो, हो और एक अपर हाउस हो तो बाई कैमरल टू क्वेश्चन ये है कि जो बाई कैमरल होती है वो किस किस्म के निजाम हुकूमत के लिए ज्यादा मौजू होती है ज़्यादा मुनासिब होती है तो उसमें बेसिकली दो बड़े ऑप्शन दिए गए हैं यूनिटरी फार्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फार्म ऑफ गवर्नमेंट तो डी ए स्टूडेंट ये बात रखेगा कि वो मालिक जहाँ पर फेडरल फाम ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है वहाँ पर जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर होती है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है बहुत मुफीद होती है तो दुनिया में जहाँ भी बाई जो है फेडरल फॉर्म ऑफ़ गवर्नमेंट है जैसे पाकिस्तान में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में है अमेरिका में है तो इन तमाम मुल्कों के अंदर जो है जो उनकी जो लजिसचर हैं दे आर बाई कैमरल तो वो बाई कैमरल हैं उसके लजस्लेचर के दो हाउसेज़ हैं एक अपर हाउस कहलाता है, है और दूसरा उसका लोअर हाउस जो है वो शुमार होता है द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्राइन इज़ केव बाम आपने बताना ये है कि यूक्रेन जो है उसका कैपिटल सिटी जो है कौन सा है यूक्रेन आजकल कल आलमी सियास के अंदर जो है वो एक बहुत मशहूर वाक से मुंसलिक है रशिया के के साथ उसकी जो है 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 जंग लड़ी जा रही है। इस वाले से इसको ख़बरों के अंदर बड़ी नुमाया जगह तो आपको पता होना चाहिए कि विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्राइन द करेक्ट आंसर इज केव आइए देखते हैं विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द ऑनली कैथोलिक प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए स्टूडेंट्स जो अमेरिकन प्रेजिडेंट्स होते हैं उनके लिए जो बेसिक टर्म्स हैं वो बड़ी सिंपल हैं कि उसके उम्मीदवार के लिए ज़रूरी होता है कि ही ही मस्ट बी अमेरिकन बाय बर्थ उसको पदाशी तौर पे अमेरिका का शहर ही होना चाहिए और उसकी एज लिमिट के हवाले से है कि हिज एज जो है वो मैक्सिमम मिनिमम जो है थर्टी फाइव ईयर्स होनी चाहिए तो उसके बाद जो है उसके लिए जरूरी है कि गुज्तर चौदह साल से अमेरिका में रिहाइश पजीर हो तो अमेरिका का कोई भी शहरी उसका कोई भी रिलीजन हो उसका कोई भी जो है वो ए, कल्चर हो कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला हो उसका कोई भी जो है वो मजहब हो तो वो अमेरिका में सदारती इंतबाब में हिस्सा ले सकता है बुनियादी शर्त क्या है कि वो अमेरिका का शहरी हो उसकी उम्र कम अज़ कम पैंतीस साल हो और वह गुजशत चौदह साल से अमेरिका में रिहाइश पजीर हो तो हर वो अमेरिकन चाहे वो मर्द है या औरत है वो मुस्लिम है सिख है ईसाई है हिंदू है यानी उसका इससे कोई तलब नहीं है तो वो अमेरिका में प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है लड़ सकता है लेकिन अमेरिका की तारीख के अंदर सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि अमेरिका में एक कैथोलिक जो है कैथोलिक शख्स जो था वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया आमतौर पे अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो प्रोटेस्टेंट होते हैं प्रोटेस्ट ईसाइयों के दो बड़े जो फिरके हैं एक कैथोलिक है और दूसरा जो है वो प्रोटेस्टेंट है तो जनरली जो है वहाँ पे जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन लोगों को टिकट देती हैं तो वो प्रोटेस्टेंट होते हैं लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक पार्टी ने जो है वो एक कैथोलिक को अपना सदारती उम्मीदवार नामज़द किया और फिर वो जीत गया तो आपने बताना ये है कि हु इज़ द आनली कैथोलिक प्रेजिडेंट ऑफ यू एस ए जान एफ जियो बाइडन और वुड्रो विल्सन ज्यू बेटन तो इस वक्त उनके सिटिंग प्रेसिडेंट हैं वुड्रो विल्सन जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान भी अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे और जॉन एफ कैनेडी जो है एक और हैं तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन एफ कैनेडी जॉन एफ कैनेडी वास्ता ऑनली कैथोलिक प्रेजिडेंट ऑफ यू लेकिन ये भी याद रखिएगा जॉन ऑफ़ कैनडी जो है उसका मर्डर हो गया था दुरान सदारत जो है अभी वो दस सदारत ऊपर फैज थे कि उनका मर्डर हो गया था उनके मर्डर के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं लेकिन एक उसका ये फैक्टर भी हो सकता है कि किसी मसवी जनूनी ने जो है उसका मर्डर कर दिया हो जो कि कैथोलिक को नापसंद करता हो बहरहाल ये अमेरिका की तारीख़ में सिर्फ एक बार हुआ कि एक कैथोलिक शख्स जो है वह अमेरिका का प्रेजिडेंट जो है वो, वो मुंतखब होने में कामयाब हो गया आइए देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन हु सेट डैट आस्क नॉट वट योर कंट्री कैन डू फॉर यू आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर यूर कंट्री बहुत ज़बरदस्त कोटेशन है बहुत जो है वो मैनीज कंडीशन कोटेशन है लाजमी तौर पर जो है आपको ये जो है वो याद करनी चाहिए और आपको इसका मफहम आना चाहिए दोबारा सुन लीजिएगा आस्क नाट वट योर कंट्री कैन डू फॉर यू आस्क वट यू कैन डू फॉर यूअर कंट्री वो कहता है कि आस्क नॉट ये ना पूछो कि व्हाट यूअर कंट्री कैन डू फॉर यू कि तुम्हारा मुल्क तुम्हारे लिए क्या कर सकता है तुम्हारा मुल्क तुम्हारे लिए क्या करता है तुम्हारे मुल्क ने तुम्हें क्या दिया है ये मत पूछा करो क्या पूछा करो आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर यूर कंट्री ये बताओ कि तुमने अपने मुल्क के लिए क्या किया है तुम अपने मुल्क के लिए उसकी तरक्की के लिए उसकी खुशहाली के लिए उसकी बेहतरी के लिए उसको एक ताक़तवर रियासत बनाने के लिए उसकी नेकनामी के लिए तुमने क्या किया है ये ज़्यादा चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है तो इस चीज़ के ऊपर नजर ना रखा करें कि रियासत तुम्हारे लिए क्या कर रही है तुम देखो कि तुम उसके लिए क्या कर रहे हो तो ये आपने बताना ये है कि ये बहुत खूबसूरत कोटेशन जो है ये ख़ूबसूरत अल्फाज हैं ये किस शख्स के हैं हु हुट आस्क नाट

जो कि कैथोलिक फिर से इसका तल था और वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना और उसी के ही ये खूबसूरत अल्फाज हैं कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री तो ये खूबसूरत अल्फाज हैं बड़े और पुरमेनी अल्फाज जो हैं वो किसके हैं जॉन एफ कैनडी के जो कि अमेरिका का प्रेजिडेंट रहा है और उसका बाद में मर्डर हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टोफर कोलम्बस वासन एक्सप्लोर फ्राम इटली ग्रीस स्पेन द्रोस्ट क्रिस्टोफर कोलम्बस जो है जिसने अमेरिका जो है दरियाफ्त किया था स्टूडेंट्स ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि इसने फोरटीन नाइनटी फोरटीन नाइनटी टू को जो है इसने अमेरिका जो था वो दरियाफ्त किया था और इसका तलब जो है वो इटली के साथ था आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीका सीका कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरएक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मयर्स इन एशिया वाज हेल्ड इन आस्ताना काजकिस्तान बाकू असरबाई जान मॉस्को रशिया दोबारा सुन सिक्स साइका साइका मीन्स क्या है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटर

बाकू जो है अजरबैजान या फिर मास्को रशिया में द करेक्ट आंसर इज आस्थाना काजस्तान तो ये सही का कॉन्फ्रेंस जो है वो आस्ताना काजस्तान के अंदर जो है वो कंडक्ट हुई है आइए देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन मेकेवली रोट इज फेमस मैकन ओपस द प्रिंस इन 1513 थर्टीन बट इट वाज पब्लिश्ड इन 1932 फिफ्टी सॉरी फिफ्टीन थर्टी टू फिफ्टीन सिक्सटी टू फिफ्टीन सेवनटी टू द करेक्ट आंसर इज़ फिफ्टीन थर्टी टू मैके जो है ही वॉज द फर्स्ट पोलिटिकल फिलासफर हु सेपरेटेड द रिलीजन फ्राम द पॉलिटिक्स तो ये पहला uh, फलासफर था जिसने मजहब और सियासत को एक दूसरे से अलग अलग कर दिया और फिर इसकी जो uh, सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक बुक है जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसका वर्क है uh, मैकन ओपस जो है डेट नेम्ड एज द प्रिंस तो उसका नाम है प्रिंस और ये प्रिंस उसने लिखी थी 1513 को लेकिन ये पब्लिश हुई 1532 को जाकर जो है पब्लिश हुई है मेकेवली की ये किताब और मेकावली जो है ये इटली की जो स्टेट थी फ्लोरेंस में जो है ये पैदा हुआ था आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द फर्स्ट डाक्यूमेंट ऑफ इंग्लिश लिबर्टीज मैग्नाकार्टा वॉज साइंड बाई द किंग जॉन इन ट्रेड फिफ्टीन सिक्सटीन फोटी नाइन और सिक्सटीन एटी एट द आंसर इज ट्व हंड्रेड फिफ्टीन मैगना कार्टा जो है डेट वॉज साइंड इन ट्वेल्व फिफ्टीन बारह सौ पंद्रह के अंदर जो है ये साइन हुआ था और उसको बरतानिया का जो बादशाह था वो जॉन था किंग जॉन के दौर में जो है मैग्ना कार्टा जो है साइन किया गया था और इसको बरतानिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन हुआ है और जो पार्लियामेंट्री एवोल्यूशन हुआ है डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन हुआ है ये उसकी पहली दस्तावेज जो है वो शुमार होती है आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन द बुक द प्रिंस हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी चैप्टर्स अभी मैकेबली की किताब द प्रिंस की बात हो रही थी तो आपने बताना ये है द बुक प्रिंस हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू हाउ मैनी चैप्टर्स द आंसर इज ट्वेल्व चैप्टर्स तो मैकेबली की ये किताब जो है द प्रिंस जो है वो टोटल बारह चैप्टर्स पर जो है वो मुश्तमिल है और अभी हमने पढ़ा था कि ये फिफ्टीन थर्टी टू के अंदर जो है ये पब्लिश हुई थी तो फिफ्टीन थर्टी टू के अंदर जो है ये पब्लिश हुई और ये ट्वेल्व चैप्टर्स के ऊपर जो है मुश्तमल है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हुट डेट वन मस्ट बी ए फॉक्स टू रेकग्नाइज ट्रैप्स एंड ए लाइन टू फ्राइटन वुलफ्स प्रोज मुशरफ मैकॉवली Winston Churchill, the correct answer is Machiavelli. Question Dvarasandhu who said that one must be a fox to recognize traps and a lion to frighten the wolves. It is the famous quotation of Machiavelli. Hain ki which is the next question? Niccolo Machiavelli was born in Florence on May 3, 1469. फिफ्टीन टवेंटी तो मैकेवाली जो है ही वॉज बॉर्न इन द स्टेट ऑफ फ्लोरेंस ऑफ इटली इन फोटीन सिक्सटी नाइन तो मैकेवाली जो है वो 1469 को जो है मई थ्री फोरटीन को जो है ये फ्लोरेंस के अंदर जो है वो पैदा हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वट इज इट कॉल्ड वेन ए प्लेयर कै नाट डिफेंड एन अटैक अगेंस्ट दे आर किंग इन चेस गेम तो डी स्टूडेंट जी बेसिकली चेस गेम की एक मूव है एक उसके बारे में बात हो रही है वेन इज़ इट कॉल्ड वेन ए प्लेयर कै नॉट डिफेंड एन अटैक अगेंस्ट दे आर किंग तो जब एक प्लेयर जो है वो अपने अपोनेंट के एक किंग को चेक देता है या उसको एक जो है उसके ऊपर अटैक करता है तो अगर वो उस टैग को बचाने में कामयाब ना हो तो उस अटैक को क्या कहा जाता है उस टैग को चेक कहा जाता है चेस कहा जाता है चेक चेक चेस कहा जाता है या चेक मेट कहा जाता है द करेक्ट आंसर इज चेक मेट दोबारा सुन लीजिएगा जब आप शतरंज खेल रहे होते हैं तो जब एक प्लेयर जो है वो अपने अपोनेंट प्लेयर के किंग को जो है वो चैलेंज करता है या उसके ऊपर अटैक करता है और अगर आप उस अटैक से अपने किंग को बचाने में नाकाम होते हैं तो फिर उसको क्या कहा जाता है उसको चेस की ज़बान में क्या कहा जाता है द आंसर इज़ चेक मेट और जब चेक मेट हो जाता है तो गेम ख़त्म हो जाती है जिसको चेक मेट होगा वो हार जाएगा और जो चेकमेट करेगा वो जीत जाएगा आइए देखते हैं कि विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अबाउट द चेस वट इज द कामन एब्रीविएशन ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो इंटरनेशनल फेडरेश इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है उसको जनरली जो है उसको कौन सा नाम दिया जाता है वट इज द कामन एब्रीविएशन ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन एफ आई ए F, uh, sorry, WFC, WCF, IFC, -F 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 -E, FIDE, fight. The correct answer is fight. The question is: What is the common abbreviation of the International Chess Federation? The answer is fight. The next question is. वट इज द क्विकेस्ट चेक मेट तो डी स्टूडेंट चेस से अगर आपको थोड़ी सी दिलचस्पी है बल्कि होनी चाहिए तो बहुत दिलचस्प गेम है और चेस के अंदर जो है बासका जो होता है कि आप दूसरी तीसरी मूव के अंदर जो है आप गेम जीत जाते हैं बासका कहीं कई घंटे जो है ये गेम जो है जारी रहती है तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है और अब जो आपका जो अपोनेंट है उसकी प्रैक्टिस कितनी है चेस के अंदर एक सिचुएशन ये होती है कि सेकंड मूव के अंदर जो है आप किंग को चेकमेट दे देते हैं और उस चेकमेट को जो सेकंड मूव के अंदर हो यानी दूसरी बारी के अंदर चेकमेट दे दिया जाए तो उसको उस, उस चेकमेट को क्या कहा जाता है दोबारा सुनिएगा व्हाट इज द क्विकेस्ट चेकमेट फूल्स मेट स्कॉलर्स मेट वाइसमैन मेट तो आंसर इज फूल्स मेट जो फ्स मेट होता है वो टू मूव के बाद जो है वो हो जाता है यानी आपने एक बारी ली दूसरे अपोनेंट ने की फिर दूसरी बारी की तो सेकंड मूव के अंदर जो है आप मुखालफ को चेकमेट दे देते हैं ऐसा चेकमेट जो दो मूवमेंट्स के दो मूव के बाद जो है वो हो जाए उसको जो है वो फूल्स मेट कहा जाता है नेक्स्ट uh, क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज फाइव मिनट चेस कार्ल तो चेस का जो है मुख्तलिफ़ ये इसके गेम्स होती हैं फाइव मिनट्स होती है टेन मिनट्स होती है ट्वेंटी फोर आवर्स की भी होती है तो इससे मुख्तलिफ इसके ओका भी हम तैयार होते हैं तो वो चेस गेम जो सिर्फ पाँच मिनट के ऊपर मुश्तमिल हो उसको के लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल होती है वाट इज़ फाइव मिनट चेस कॉल्ड बिलट्स चेस शॉर्ट चेस क्विक चेस द आंसर इज़ बुलट्स चेस

शायरा जो है उर्दू अदब की पहली शायरा जो है वो किस अदीबा को कहा जाता है दोबारा कोई क्वेश्चन सुनिएगा हुजिन कॉल्ड एज द फर्स्ट लेडी ऑफ द उर्दू पोइट्री द फर्स्ट ऑप्शन इज अदा जाफरी परवीन शाकर एंड नोशी गिलानी द करेक्ट आंसर इज़ अदा जाफरी अदा जाफरी इज़ कंसीडर्ड एज द फर्स्ट लेडी पोइट एंड उर्दू पोइट्री इसको अदा जाफरी जो है वो कहा जाता है तो ये उर्दू की पहली ख़तून शायर जो हैं वो शुमार होती हैं अदा जाफरी डी सेंट यहाँ पर अदा जाफरी के कुछ मशहूर शेर हैं ये फ़खर तो हासिल है बुरे हैं के भले हैं ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं दो चार कदम तो हम भी तेरे साथ चले हैं ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं तो चार कदम हम भी तेरे साथ चले हैं और, मैं थे थे और एक और मैंने इसका शेर खूबसूरत याद इसमें शामिल किया है हमारे शहर के लोगों का अब अहवाल इतना है हमारे शहर के लोगों का अब अहवाल इतना है कभी अखबार पढ़ लेना कभी अखबार हो जाना हमारे शहर के लोगों का अब अहवाल इतना है कभी अखबार पढ़ लेना कभी अखबार हो जाना अदा जाफरी और एक और उसका खूबसूरत शेर है नपास तुम पास नहीं हो तो अजब हाल है दिल का तुम पास नहीं हो तो अजब हाल है दिल का यूं जैसे मैं कुछ रख के कहीं भूल गई हूं दोबारा समाध फरमाइएगा तुम पास नहीं हो तो अजब हाल है दिल का यूं जैसे मैं कुछ रख के कहीं भूल गई हूं और डी स्टूडेंट्स जहां पे इस वीडियो काम का होता है थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल मोहम्मद साइंस तुम पास नहीं हो तो अजब हाल है दिल का यूं जैसे मैं कुछ रख के कहीं भूल गई हूं हमारे शहर के लोगों का अब हाल इतना है हमारे शहर के लोगों का अब अहवाल इतना है कभी अखबार पढ़ लेना कभी अखबार हो जाना ये फ़्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं दो चार कदम तो हम भी तेरे साथ चले हैं अदा जाफरी